So, today's first topic that we are going to take is the topic of enforcement direct rate. Of why we are discussing this body, why I am taking it in the current affairs class because it is not covered in the static portion. So, in general, generally you will see that in polity you will be covering. constitutional bodies in governance you will be covering some other bodies which are non constitutional in nature but this body is not covered anywhere right and now this body enforcement directorate which is nothing but a investigating agency if i could say and it is neither a statutory body na to ye kisi law se form hui hai it is neither a constitutional body right neither a statutory body nor a constitutional body to so, kaisi body hai sir ye kaise form kaise ki gayi hai

उससे पहले आपने देखा हो गया कि वेस्ट बंगाल से एक केस आया था उसी के बाद इसी हफ्ते अभी दो तीन दिन पहले यू मस्ट हैव सीन दैट है प्राइम मिनिस्टर हैज इन अ स्पीच दैट ही वाज गिविंग इन वेस्ट बंगाल दैट दैट ही वांट ऑल द सीजर्स एंड द प्रॉपर्टीज दैट आर दैट मनी कैन बी सेंट बैक टू द पीपल हु हैव दीपल दैट मनी राइट सो बेसिकली इसके ऊपर एक इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल आया हुआ था दैट वॉट द कन्फेस्टिगेशन दैट इज बिंग डन बाई डी After द केस इज बिंग डन राइट सो क्या प्रोसेस है क्या किया जाता है तो आज हम वो भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे बट उसके अलावा ये बॉडी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आप देखेंगे बार बार ईडी और सीबीआई का नाम न्यूज़पेपर में आपको हर हफ्ते देखने को मिलेगा सीबीआई बी इज जनरली कवर्ड इन योर गवर्नेस चैप्टर और गवर्नेस पोर्सन ऑफ स्टेटिको उसे मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं उसे मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा बट वी विल बी कवरिंग एनफोर्समेंट बॉडी राइट सो ये समझ आ गया अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं नाउ लेट्स बिगिन विद वॉट इज दिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है सर किस टाइप की बॉडी है एंड क्या इसके फंक्शन हैं क्या इसकी पावर्स हैं क्या इसका बैकग्राउंड है ये कैसे फॉर्म हुई है एंड इसके साथ क्या इश्यूज हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे दैट अपोजिशन इज सेट इट ई डी एंड सी बी आई आर बींग मिस यूज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट ये अपोजिशन का कहना है मेरा कहना नहीं है तो कैसे मिसयूज हो रही है और ऐसी क्या पावर्स है दैट ई डी हैज क्रिएटेड सच अवॉक पीपल आर बेसिकली पॉलिटिशियंस आर नाउ फियर ऑफ ई डी लाइक आपने देखा होगा अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड केस आपने देखा होगा आपने वेस्ट बंगाल में केस देखा होगा <coughs> संदेश खली के जो आपको देखा होगा तो उससे पहले हमने देखा कि आप सिटिंग सी एम सोरेन वॉज अरेस्टेड ऑल दो ही ट्रांसफर्ड इज पावर एंड मेड अ न्यू सी एम सो उन्हें अरेस्ट किया गया एंड इन ऑल दीज केसेस One thing is common, and what is common? Enforcement directorate. So, enforcement directorate it is an executive body, right. So, it is neither a statutory body nor constitutional, statutory body which are formed with the help of a law. पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया उसकी मदद से एक बॉडी इनेक्ट की गई बट इसमें ऐसा नहीं राइट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है राइट right? कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडीज बताई हुई हैं तो वो है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा आपका राइट right? अब अगर हम बात करें कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना इसके लिए कोई लॉ पास किया तो ये कैसे आई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेजिडेंट के थ्रू इसे नोटिफाई कर दे और ये बॉडी फॉर्म हो जाए जैसे नीति आयोग को फॉर्म किया गया है राइट सो इट इज एन executive बॉडी now द second पॉइंट इज what इट डील्स विद सो इट डील्स विद इसकी जो जो है वो बहुत लिमिटेड है इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ केसेस दैट कैन बी डेल्ट बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत लिमिटेड है और दो ही तरीके के मेजर केसेज हैं जो ये डील करती है इट डील्स विद केसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डील्स विद केसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग

द केस शुड बी रिलेटेड टू द फॉरन एक्सचेंज राइट अब ये इन केसेस को डील करने के लिए यहां से पावर्स कहां से आती है सो पावर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट सो ये ईडी का जो काम है वो क्या है बेसिकली टू एनफोर्स सर्टेन एक्ट कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन्हें एनफोर्स करने की पावर किसको दी गई है वो ईडी को दी गई है राइट सो इट एनफोर्सेज अगेन दीज आर ऑल रिलेड क्वेशन में यहां पर चार मेजर लॉज हमारे पास आते हैं जिन्हेंस करती है राइट इट एनफोर्सेज पहला हमारे पास लॉ आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, राइट right? जिसे हम बोलते हैं पीएमएलए. सो so, पहला काम क्या है इसे मैं पहले क्यों लिख रहा हूं आई एम नॉट राइटिंग इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आई एम राइटिंग इट इन दम ऑफ कि जो मेन पावरफुल एक्ट है पीएमएलए एम एल द मेन एक्ट विच गिव्स टीच टू ईडी, राइट सो ईडी कैन बाइट हुई So, उसे ये टूथ किसने दिए उसे ये टीथ किसने दिए उसे इतना पावरफुल कौन बनाता है ईडी को क्योंकि ईडी के तो अपने पास कोई पावर है नहीं ईडी इंप्लीमेंट करता है पीएमएलए को विच इज अ वेरी पावरफुल एक्ट और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स दी गई हैं जो ईडी एंजॉय करता है इसे एक्ट को एनफोर्स करने के लिए सेकेंड एक्ट दैट इज बिंग एनफोर्स्ड ईडी इज योर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 जिसे हम बोलते हैं फेमा राइट right? आप कुछ कुछ जगह पे लिखा हुआ देखेंगे दैट ईडी आल्सो इनफोर्सिस फेरा बट आपको ये समझना है दैट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा व्हिच वाज देयर प्रीवियसली इट हैज बीन रिपील्ड नाउ एंड उसकी जगह पे जो हमारे पास एक्ट आया दैट वाज फेमा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसे रिपील करके फेमा क्यों लेके आए थे हम राइट वी विल बेसिकली आई टेल यू द बेसिक क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि ऐसे क्या हमने यहां पे कैसे पावर्स दिए हैं ईडी को राइट सो इट फेमा राइट एनफोर्सिसन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन उसे भी ये एनफोर्स करता है द थर्ड एक्ट विच इज बिंग एनफोर्स बाई ईडी इज योर फॉरेन सॉरी It is your Fugitive Economic Offenders Act of 2018, that is FEOA, right? So, the third act which is enforced by ED is your Fugitive Economic Offenders Act. सो so, ये हमें 2018 में बनाना पड़ा व्हेन वी रियलाइज दैट देर आर लॉट ऑफ फ्यूजिटिव कंट्री एंड दे आर द इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जैसे कि आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम सुने होंगे यू यू मस्ट बी अवेयर अबाउट विजय माल्या राइट सो किंग फिशर कैलेंडर अगर कुछ भी नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट कैलेंडर देखा होगा राइट सो किंग फिशर के जो मालिक थे नीरव मोदी ललित मोदी मेहुल चौकसी ये सब क्या है इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए एंड उससे पहले कि इन्हें अरेस्ट किया जाता है या कुछ होता व्हाट दे डिड दे द्लड द कंट्री एंड दे आर नाउ रिसाइडिंग इन कंट्रीज लाइक यूके एंड सम अदर कंट्रीज या तो जहां पे एक्सटेडिशन काफी डिफिकल्ट है या जहां पे इंडिया की एक्सटेडिशन ट्रीटीज नहीं है या उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है तो ये ऐसी कंट्रीज में भाग गए तो इन ऐसे लोगों को डील करने के लिए हमने एक एक्ट एक बनाया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ टू और उसको एनफोर्स करने की पावर किसको दी वापस से उसको एनफोर्स करने की पावर हमने दे दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को राइट देन देर इज वन मोर एक्ट फॉर विच इट इज अ फॉर विच दिस ईडी इज एक्टिंग एज अ स्पॉन्सरिंग एजेंसी सो ईडी एक्ट एज अ स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर कॉफे पोसा स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर कॉफे पोसा ऑफ़ right? 1974। अब स्पॉन्सरिंग एजेंसी का मतलब है कि ये जनरली उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनके केसेस को सॉल्व करने में मदद करती है सो इट इज अ स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर कॉफे बोसा कॉफे बोसा की फुल फॉर्म में आपको लिखवा देता हूं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज दट इज योर कॉफी बोसा अब देखो बिलिम्स में कई बार क्या होता है आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी जाएगी दैट ईडी डी एनफोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग चार ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए जाएंगे या तीन एक्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे तो इसलिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है प्लस ईडी को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर ईडी का, का काम क्या है और उसकी पावर्स कहाँ से आ रही हैं तो वो इन एक्ट्स के थ्रू से पावर आती है कि उन्हें ये एक्ट एनफोर्स करने हैं और इन एक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन्स हैं जो उन्हें बताते हैं कि कैसे काम करना है क्या पावर्स रहेंगी और क्या क्या कर सकता है ईडी राइट सो so, यहाँ से ईडी की सारी पावर्स फ्लो करती हैं और ईडी का काम है इन्हें एनफोर्स करना राइट right? देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बेसिकली देर आर टू काइंड ऑफ मनी एक होती है व्हाइट मनी एक होती है ब्लैक मनी व्हाइट मनी क्या है जो मनी आपके बैंक अकाउंट में है जो मनी बेसिकली ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू मूव हो रही है जिसका एक ट्रेल बना हुआ है कि यहां से पैसा यहां गया यहां से पैसा यहां गया इसने ये चीज परचेज की तो इसे पैसा मिला सो दिस इज ऑल बेसिकली पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी ये जीडीपी में मदद हो रही है जीडीपी डी कैलकुलेशन में मदद हो रही है एंड इट इज ऑल अकाउंटेड फॉर फिर एक पैसा होता है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है जो कैश की फॉर्म में गवर्नमेंट उसे नहीं पता है कि आज मेरे पास एक करोड़ रुपए रखे थे मैंने क्या किया किसी से लैंड परचेज किया उसे एक करोड़ रुपए दे दिए और दिखाया कि सौ रुपए में जमीन खरीद ली सो सौ रुपए की ट्रांजेक्शन मैंने बैंक से की और एक करोड़ रुपए मैंने कैश इधर से इधर दे दिए अब सामने वाले आदमी ने क्या किया कि वो ब्लैक मनी ये आपकी ब्लैक इकोनॉमी होती है ये मनी जो इधर से इधर ट्रांसफर हो गई अब उसे वो मनी यूज करनी है और उसे सपोज अपने बिजनेस में यूज करनी है तो वो उसे अपने अकाउंट में डाल के तो ट्रांजेक्शन करेगा नहीं अगर वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में डालेगा तो उससे क्वेश्चन रेज होगा कि कि ये पैसा आपके पास आपके पास पास कहां कहां से से आया इनकम टैक्स वाले पूछेंगे करोड़ रुपए आए सो इस ब्लैक मनी को वाइट करना इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पैसे को धोना राइट पैसे को धोना हिंदी में आप समझिए कि जो काली मनी अब वो काला रंग नहीं है उसके ऊपर बेसिकली वो आपके ऑफिशियल सिस्टम के अंदर नहीं है उसे ऑफिशियल सिस्टम के अंदर लाना इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे आपने हवाला ट्रांजेक्शन सुना होगा या आपने राउंड ट्रिपिंग सुना होगा कि सपोज क्या हुआ कि यहां पे मेरी एक कंपनी थी आई हैव अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड आई हैव अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच आई डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स ऑन राइट मैं अपना रेवेन्यू मैं उस पर टैक्स बचाना चाहता हूं सो so मैंने क्या किया कुछ शेल कंपनी इस्टेब्लिश कर दी कहीं पर और मैंने बोला कि मैंने उन कंपनी से सर्विसेज ली थी और मैंने वो पैसा उन्हें पे कर दिया उस कंपनी ने एक और दूसरी कंट्री में अपनी एक और शेल कंपनी स्टैब्लिश कर दी शेल कंपनी मतलब जो एक्चुअली काम नहीं कर रही है बस ऑन पेपर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है उसने वो पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया और ऐसे तीन चार जगह तीन चार कंट्रीज से पैसा घुमा के वो पैसा वापस क्या हुआ एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर्म वापस से मेरी कंपनी में आ गया अब वो पैसा जो मैंने अर्न किया था बिना मैंने कोई भी टैक्स दिए उस पैसे को घुमा के मैं वापस अपनी कंपनी में ले आया एंड नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इट अगेन राइट right. सो so, यहां से क्या हुआ सरकार को क्या नुकसान हुआ कि मैं अगर ऐसी कंट्रीज में चला गया था जहां पे टैक्सेशन सिस्टम या टैक्स ऐसा है कि जीरो टैक्स है और मेरा इंडिया का और उसका डबल टैक्सेशन अवार्डेंस एग्रीमेंट है ये सारी भारी टर्म्स लग रही होंगी धीरे धीरे आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे इन सबको वैसे अगर वहां पर डबल टैक्सेशन अवार्डेंस एग्रीमेंट है तो इंडिया टैक्स नहीं चार्ज कर सकता उस कंपनी से जो दूसरी कंट्री में थी मेरी कंप, मेरी कंपनी इस कंट्री में थी मैंने बोला कि मैंने तो अर्न ही नहीं किया मैंने किसी से सर्विस ली थी और यहां से जो पैसा आया मैंने उस सर्विस का पे कर दिया तो प्रॉफिट इज जीरो आप टैक्स तो मेरी इनकम पे लोगे ना प्रॉफिट पे माई प्रॉफिट इज जीरो और घूम री के रीरूट रूट होके वो पैसा वापस मेरी कंपनी में आ गया राइट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कि ये तो किसी इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया है अब मैं इसे वापस से लगा रहा हूँ मार्केट के अंदर और मैं फिर से यही साइकिल फॉलो कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ कि एक मनी जो है वो लॉन्डर होके वापस से आ गई या कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कुछ अमीर लोग ब्लैक मनी रखते थे आपने पुरानी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी उनके पास बक्से बक्से भर के पैसा होता था घर में दीवारों के अंदर पैसा होता था तकियों के अंदर पैसा होता था तो वो होता था ब्लैक मनी कैश की फॉर्म में गवर्नमेंट को नहीं पता वो क्या करते थे तो उस पैसे को को हवाला के थ्रू पे एक एक आदमी आदमी देंगे और उनका स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है तो वो पैसा एक्चुअली फ्लो नहीं करेगा वो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ स्विस फ्रैंक वहां पर एक आदमी को दे देगा आफ्टर कटिंग अ कमीशन ऑफ फाइव टेन इन्हें बोलते हैं हवाला ट्रांजेक्शन और वहां से किसी आदमी ने स्विस में स्विट्जरलैंड में वो पैसा लिया स्विस फ्रैंक की फॉर्म में और एक स्विस तो तो गया राइट right? सो so, हवाला से पैसा इधर से उधर फ्लो हो गया और एक्चुअली पैसा फ्लो भी नहीं हुआ यहां पे, पे दो जगह एजेंट बैठे हुए हैं जो आपस में कमीशन फॉर्म पे यही काम करते हैं कोई स्विट्जरलैंड से पैसा वापस भेजना चाहेगा इंडिया के अंदर ब्लैक फॉर्म में जो कि गवर्नमेंट को ना पता चले तो वो वहां से पांच परसेंट कमीशन लेके यहाँ दे देगा राइट right? सो so, इस तरीके से जो पैसे की मूवमेंट होती है इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग राइट जहां से ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा है या हम किसी मनी पे टैक्स अवॉइड कर रहे हैं राइट right? सो so, इसे राउंड ट्रिपिंग करके हम घुमा रहे हैं आई होप ये समझ आ गया होगा अब कुछ बेसिक्स की बात करते हैं वेन वॉज ईडी स्टैब्लिश तो मैंने अभी आपको बताया ईडी वॉज स्टैब्लिस्ड इन नाइनटीन एज एनफोर्समेंट यूनिट इसका इनिशियल नाम ईडी नहीं था इनिशियली एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इसे स्टैब्लिश किया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट लिखवा रहा हूं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अब बात आती है कि सर आपने जो ऊपर सारे एक्ट लिखवाए कोई भी एक्ट 1974 से पहले का नहीं है 1974, 1999, 2002 तो ये सारे एक्ट को या 2018 इन सारे एक्ट को एनफोर्स करने के लिए हमने बॉडी 1956 में बना दी थी तो ये उससे पहले क्या काम कर रही थी सो so एक्चुअली इससे पहले हमारे पास एक्ट था वो रिपील्ड हो चुका है विच वॉज फेरा नाइनटीन सिक्सटी टू एनफोर्स फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी से नया फेरा ले हमने इसे रिपील कर दिया फेरा जो हमारा 1973 में रिपील किया और हमने उसकी जगह पर नया एक्ट लेकर जो आज की डेट में चल रहा है जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया जो कि आज फाइनल स्टेट में है राइट तो so, ये इनिशियली इसे अप्लाई करता था फिर नाइनटीन में इन नाइनटीन इट वॉज रीनेमड एज एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी बोला गया इसे फिर इसके बाद नाइनटीन सिक्सटी में इट वॉज ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू किस को ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अब सवाल आता है सर इससे पहले किसके पास थी सो so, इससे पहले थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से इसे ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास राइट right? <coughs> इसे ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास अब ये सपोज इन योर एग्जाम देर इज अ स्टेटमेंट दैट ईडी इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सिंस नाइनटीन सिक्सटी सो दैट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट और नॉट दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एट प्रेजेंट द करंट स्टेटस इज दट ईडी इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमी राइट उसमें दिक्कत नहीं है बट सवाल आता है कि सर फिर ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुई इन बिटवीन देर वॉज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 1973 टू 1977, इट वॉज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इस टाइम के बीच में ये जो थी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास थी यहाँ पे आप समझिए कि जब मैं बोल रहा हूँ फेरा दोबारा से आता है स्ट्रॉन्ग फेरा आता है राइट इसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी का टाइम चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है 1977 में गवर्नमेंट्स चेंज होंगी और ये वापस से इसके बाद हम इसे वापस से डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू के पास भेज देंगे क्योंकि एक्चुअली रेवेन्यू का इरोजन हो रहा है बट इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास भेज दिया गया जनरली वॉट हैपन्स दैट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इज अंडर Of so, सनलोम का डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो कभी भी जब आप देखेंगे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो ऐसी चीजों को अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा एंड दिस इज द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी राइट अभी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ इसे कोरिलेट करूंगा ताकि आप याद कर सकें बेटर वे में राइट right? बट अभी के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच गई होगी राइट right? अब इस चीज को समझिए कि ये एक्ट कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है कैसे कैसे पावरफुल हुआ है कैसे कैसे इसमें थोड़ी सी अपनी कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी पड़ेगी अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ईडी आज की जिस स्टेट में है वो इतना पावरफुल कैसे बना राइट right? Initially ED was not that powerful. Initially enforcement Directorate was not that powerful because we have a closed economy. हम बाहर किसी से ज्यादा import export करते नहीं थे We were trying to be self रिलायंट uh, हमने देखा कि जब हमें when वन got गॉट इंडिपेंडेंस इन we फोर्टी सेवन वी वर नॉट दट बिग ऑफ अकोनॉमी can वी कैन कम्पीट विद developed अदर डेवलप्ड नेशन सो हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा राइट right? हमने कहीं पे बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं किया तो उस टाइम पे फॉरन एक्सचेंज से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी हमारी जो करेंसी थी उसे उसे हमने फिक्स्ड सिस्टम के अंदर रखा राइट right? हमने क्लोज सिस्टम के अंदर रखा तो वो अपने आप ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होती थी सो इवन एट दैट टाइम फेरा वाज आल्सो नॉट दैट रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट राइट सो यहाँ पे ईडी इनिशियली फेरा या फेमा मैं अगर दोनों की बात करूं तो दे आर सिविल लॉज इनके अंदर जितने भी प्रोविजन हैं इनके अंदर जितने भी क्राइम्स हैं दे आर सिविल इन नेचर जैसे आपका प्रॉपर्टी या क्राइम होता है वो सिविल क्राइम है मर्डर होता है वो क्रिमिनल लॉ है राइट right, वो क्रिमिनल क्राइम क्रिमिनल केस के अंदर आएगा सो so, ये बेसिकली यहां पे सिविल क्राइम्स के अंदर आता है फेमा या फेरा जो भी है वो सिविल क्राइम्स के अंदर आता है तो ये एक्चुअली इसके पास सिर्फ सिविल लॉ से डील करने की पावर थी ईडी के पास देन वट हैपन फ्रॉम नाइनटीन जब इंदिरा गांधी जी हमारी पावर में आती है नाइनटीन से क्या होता है देर वॉज अ टिल्ट टूवर्ड्स द सोशलिज्म आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सोशल ऐड किया गया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो आप देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पे और कहीं ना कहीं हम रशिया की तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी ऐसा माना जाता है कि टिल्ट वॉज मोर टूवर्ड सोशलिज्म एंड नाइनटीन सिक्सटी नाइन इज द टाइम जब आप देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो रहा है प्राइवेट बैंक को खत्म किया जा रहा है आपका एयर इंडिया को नेशनलाइज किया जा रहा है जो कि अब वापस बेचना पड़ा हमें राइट right? उसे वापस प्राइवेट करना पड़ा तो द थिंग दैट वॉज है कि हम कैपिटलिज्म से दूर और हम थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे एंड वी वर एंटी वी वर एंटी कैपिटलिज्म और वी कैन से कि वी आर एंटी इंडस्ट्रियलिज्म हम इंडस्ट्रीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहते थे हम गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को रखना चाहते थे तो उस टाइम पे क्या हुआ उस टाइम पे इस फेरा को स्ट्रांग किया गया 1969 या आप बोलिए 1973 सेवनटी थ्री द फेरा वॉज मेड मोर स्ट्रांग इसीलिए जो फेरा ऑफ 1947 था उसे रिपील कर दिया गया एंड अ न्यू फेरा वॉज सेटअप विच वॉज फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो फॉरन एक्सचेंज की रेगुलेशन करता था इट वॉज मोर पावरफुल एज कम्पेयर प्रीवियसली सो so, यहां पर थोड़ी सी ईडी की पावर्स बढ़ी बट स्टिल इट वॉज डीलिंग विद द सिविल लॉज उसके बाद ईडी थोड़ा सा पावरफुल रहेगा आपका नाइनटीन सेवनटीज एटीज के अंदर बट देन हमारे पास गवर्नमेंट चेंज होती है एंड गवर्नमेंट चेंज के साथ साथ इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेल करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसकी वजह से हम नाइनटीन नाइन्टी वन में वी गो फॉर द एल पी जी रिफॉर्म्स हम रिफॉर्म्स के लिए जाते हैं जो कि आपकी बोली जाते हैं लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए जाते हैं और हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं इकोनॉमी को ओपन करने के बाद 94 में कहीं जाके हम अपनी करेंसी को भी फ्री फ्लोट पे ले आते हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी के साथ जो हमारा कन्वर्जन है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमने करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाए फिर बहुत सारी चीज़ों में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाए ये चीज़ें नहीं समझ आ रही भूल जाओ अभी के लिए हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी इकोनॉमी को ओपन करने के बाद हमने देखा कि हम जो पहले लॉज फॉलो कर रहे थे विच वॉज फेरा इट वॉज अ रेगुलेटिंग एक्ट कि नाउ द गवर्नमेंट्स वर्क शुड नॉट बी टू रेगुलेट दीज थिंग्स हमने गवर्नमेंट का वर्क थोड़ा गवर्नमेंट की पावर्स को थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट किया टू बेसिकली ब्रिंग मोर इंडस्ट्रीज टू अवर कंट्री टू ब्रिंग मोर कॉरपोरेट्स फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री क्योंकि अब हम एक ओपन इकोनॉमी में रह रहे थे तो हमने बोला कि गवर्नमेंट विल बेसिकली नॉट रेगुलेट दीज थिंग्स इट विल मैनेज कि बस कुछ भी आपका वॉलिडिलिटी ना हो कुछ भी बहुत ज्यादा इधर से उधर ना हो नेगेटिव ना हो हमारी कंट्री के लिए so यहां पे हमने को को हटाया 1999 में और फेरा को हटाने के बाद हमने उसे रिप्लेस किया फेमा के साथ विच इज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट राइट जिसके अंदर पावर्स और कम हो गई सो ईडी वापस से लेस पावरफुल हो गया और फेमा के अंदर भी जो भी क्राइम्स कंडक्ट होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे सिविल लॉज के अंदर राइट right? तो यहां तक ईडी के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं टेन इयर्स बैक 1989 नाउ नॉट इन इंडिया नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एट ग्लोबल लेवल इंडिया की स्टोरी मैंने बताई यहां तक आपको समझ आ गया अब हम ग्लोबल लेवल पे आते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा था उस टाइम पे नाइनटीन एटी जो कि एक डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है यूएसए कैनेडा फ्रांस ये बड़ी बड़ी कंट्रीज उसके अंदर है सो so, एक जी ग्रुप है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की नाइनटीन में 1989 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर टास्क फोर्स एफ ए टी एफ राइट सो नाइनटीन एटी नाइन में एफ ए टी एफ को सेटअप किया जाता है और उसका एक ही पर्पज था इनिशियली उसका पर्पज था टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू डील विद मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि ये रियलाइज किया डेवलप्ड नेशंस ने कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर

और वो कॉर्पोरेट्स जब एक कंट्री में बड़ी डेवलप होती हैं तो इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स इन सर्च ऑफ न्यू लेबर दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और इस वजह से हमारा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का सिस्टम एम का सिस्टम स्टार्ट हो गया था अब जगह जगह एम ने अपने सेटअप कर लिए एमएनसीज के सेटअप करने के बाद टैक्स इवेजन ज्यादा होने लगा मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है वी वर मूविंग टूवर्ड्स ए ग्लोबलाइज वर्ल्ड राइट जहाँ पे आपकी सारी कंट्रीज में लाइक एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत ईजी होता जा रहा था मूवमेंट बढ़ रही थी तो इसके साथ मूवमेंट के साथ साथ हमने देखा कि इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ रहा था और जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा था अब वो इंट्रा इंटर कंट्री होने लग गया है इंट्रा कंट्री से वो इंटर कंट्री होने लग गया है सो बड़ी कंट्रीज ने जी सेवन ग्रुप ने यह रियलाइज किया दैट वी नीड अ इंटरनेशनल लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम से डील करने के लिए उन्होंने एफएटीएफ का गठन किया दे एफ ए इन नाइन अब जब 1989 में FATF बनाया गया तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि हाउ यू हैव टू फ्रेम अ लॉ टू बेसिकली डील विद प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट द इंटरनेशनल लेवल इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ एफ इंडिया FATF एफ ज्वाइन करता है सो टू अप्लाई दो गाइडलाइंस इंडिया हैज़ टू अपलाई द गाइडलाइंस बाय इंडिया हैजेम अ लॉ और जो उसके बाद हमने लॉ बनाया दी एम एल एफ टू थाउजेंड टू विच केम इन टू इफेक्ट इन टू थाउजेंड फाइव हमने बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू बेसिकली एनफोर्स द गाइडलाइंस दैट हैज बीन गिवन बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ उनकी गाइडलाइंस को एनफोर्स करने के लिए हमने पी एम एल ए बनाया जो कि दो हजार दो में आया अब यहां तक एफ ए टी एफ का काम था कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस देना बट यहीं पर हमारे लॉ बनने से एक साल पहले एक और मेजर चेंज हुआ

हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू पहुंची थी देन दीज कंट्रीज रियलाइज दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज जस्ट नॉट एन इकोनॉमिक इशू इशू इट इज एन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इट इज एन इशू ऑफ टेरर फंडिंग सो को बोला गया कि सर लेट्स डू वन मोर थिंग इन एफ ए डी एफ लेट्स एड काउंटर टेरर फंडिंग कि जो टेरर फंडिंग हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उसे कैसे काउंटर किया जाए सो so एफ ने उसके ऊपर भी गाइडलाइंस बनाना शुरू कर दिया उससे पहले दीज डेवलप्ड नेशंस हैज नो बिलीव विद रिस्पेक्ट टू टेरिज्म को कुछ नहीं मानते थे या करने के लिए एक की नहीं क्योंकि इंडिया वॉज फीलिंग दर्ट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया बार बार बोल रहा था कि टेरिज्म बहुत गलत चीज है इसे रोकना है इसकी फंडिंग को रोकना है तो यहां पर जब दो हजार एक में अटैक हुआ तो एफ को ये पावर्स भी दिए गए या एफ ने ये गाइडलाइंस भी दे कि हाउ टू डील विद द काउंटर टेरर फंडिंग और इन सब को डील करने के लिए हमने बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच वॉज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू एनी अदर लॉ एंड इन दिस लॉ इट इज बेसिकली अ क्रिमिनल लॉ इन दिस लॉ द मैक्सिमम पनिशमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट राइट right? और धीरे धीरे अभी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की, एफ और स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस दे रहा है इंडिया का पी एम कर दिया जाता है और स्ट्रिक्टर बनाया जाता है सो देट इज वाई वीव सीन अमेंडमेंट इन पी एम एल एन टू थाउजेंड थर्टीनेंट इन पी एम एल एन टू थाउजेंड नाइनटीन राइट अब यहां पे आप आप एक एक और चीज समझिए कि लोगों ने बहुत बार बार सुना होगा अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे रखा जाता है जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं अ स्ट्रिंजेंट लॉ टू डील इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इज केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दैट आर मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर टेरर फंडिंग

इन फेबर ओनली यू ए वॉज ब्रॉट आउट ऑफ ग्रे लिस्ट अगर कोई कंट्री उन एजेंडाज को फॉलो नहीं करती है जो उन्हें पॉइंट दिए गए हैं जो उन्हें काम दिया गया है वो उसे फॉलो नहीं करती है इन दैट केस दीज कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड एज नॉन कॉपरेटिंग टेरिटरीज एनसीटीज या नॉन कॉपरेटिंग कंट्रीज और इन कंट्रीज को एन सी टी नॉन कॉपरेटिंग टेरिटरीज बोलने के बाद दे आर शिफ्टेड टू द ब्लैक लिस्ट

वी हैव सीन कि इसका हमने बैकग्राउंड देख लिया है अब इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो मैंने अभी बताई एक तो मैंने आपको बताया एफ ए टी एफ सो देर आर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन विच आर डेल्ट बाय ईडी सो फर्स्ट इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इज एफ एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स राइट सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू अगर आपको कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इंटरनेशनल केस है उन्हें कहीं पे डील करना होगा दे विल आदर कम विद इंटरपोल से है, तो वो सीबीआई के थ्रू आएंगे अदरवाइज दे विल कम विद टू ईडी सेकंड इज यूएन सीएसी अनकाग जैसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की सो इट डील्स विद द केसेस रिलेटेड टू अगेंस्ट करप्शन कन्वेंशन है कि लॉज क्या बनाए जाने चाहिए सो दे कनेक्टिंग लिंक विद द ईडी इन इंडिया राइट देन थर्ड देर आर टू मोर कैरिंग एंड ऑल बट आई थिंक दे आर लेस इंपॉर्टेंट सो उनकी डिटेल्स या उनके नाम यहां पर मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा सो so थर्ड जो मैंने आपको बताया थर्ड इज एमलेट या आप सीबीआई में भी देखते हैं एम्बलेट क्या है आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज इन्हें एनफोर्स कराने में इन ट्रीटीज को देखने में भी ईडी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है राइट सो दीज आर द बेसिकली बेसिकलीर आर फाइव बट दीज आर द थ्री मेजर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन विच वेयर ईडी इज इन्वॉल्व टेरर फंडिंग मतलब कि आपके पास देखो अब टेररिस्ट को पैसा देना है अब आपको सपोज कि को पैसा देना है या आईएसआई को पैसा देना है आईएसआई तो चलो टेररिस्ट नहीं बोलूंगा मैं ऑल दो दे आर बट चलो कोई बात नहीं या आईएस को पैसा देना है तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे अगर आप ये काम करेंगे तो आपको वैसे ही आपको पुलिस पकड़ लेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पकड़ लेगी एन पकड़ लेगी सी पकड़ लेगी कोई ना कोई पकड़ लेगा तो लोग क्या करते हैं कि वो उस पैसे को कैसे पहुंचाते हैं सपोज सपोज इफ आई सपोर्ट अ टेरर विंग राइट मैं किसी टेरर विंग को सपोर्ट करता हूं एंड मेरे पास पैसा होता सपोज अगेन मेरे पास पैसा होता तो मैं उस पैसे को उन तक मैं डोनेट करना चाहता हूं मैं उनके कॉज में मदद करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही आतंक फैलाइए तो मैं उन तक पैसा कैसे पहुंचाऊंगा मैं उन तक पैसा पहुंचाने का तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग कि मैं यहां पे किसी को पैसा दूंगा कैश में ता कि ताकि Uh, किसी भी मेरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या गवर्नमेंट को ना पता चले कि भैया दस करोड़ रुपए ये आप रखो और आप एक काम करना कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान वाले भैया एक आएंगे वहाँ पे लेने के लिए तो तालिबान वाले भैया को वहाँ पैसा पहुँचा दो तो ये हुआ हवाला के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा सीधा कहाँ पहुँच गया अफगानिस्तान में तालिबान और वो पैसा मूव नहीं हुआ राइट right? तालिबान से किसी को पैसा भेजना होगा उन्होंने कहीं से ओपियम बेचा होगा उन्होंने कहीं से ड्रग्स बेचे होंगे और उन्हें वो पैसा यहाँ भेजना होगा कि अरे सर आपने मदद की थी दस साल पहले उसके बाद हमने वहाँ पे अटैक किया था तो आज आपको हम इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस भेज रहे हैं कबूल कीजिए तो वो भी क्या करेंगे वो उस भैया को फोन करेंगे कि इंडिया में उन भैया को भेज देना ये पैसा तो ये होता है हवाला ट्रांजेक्शन का सिस्टम राइट ये बेसिकली अनऑफिशियल बैंक्स हैं जहाँ पर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है ये ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं एंड दीज ट्रांजेक्शन आर गेटिंग रिकॉर्डेड नो राइट right? सो so, इस तरीके से क्या होता है कि टेरर फंडिंग में वो पैसा यूज हो रहा है कि मैंने उन्हें पैसा भेजा उन्होंने उससे क्या किया उन्होंने उससे ए के फोर्टी सेवन खरीद ली ए फोर्टी सेवन खरीद के उन्होंने क्या किया उन्होंने बलूच पे अटैक कर दिया राइट right? उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक पार्ट अलग हो गया एक बांग्लादेश बन गया एक बलूचिस्तान बन गया एक पाकिस्तान तो तीन हिस्से हो गए दो की जगह तो अगर कोई ऐसा कर रहा है अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये टेरर फंडिंग हुई कि मैंने टेररिस्ट की मदद की पैसा दे ताकि वो हथियार खरीद सके और ये काम कर सके हाँ बेटा लॉ सारे के सारे पार्लियामेंट में बनते हैं जब भी मैं एक्ट लिख रहा हूँ तो मतलब वो पार्लियामेंट से पास हुआ होगा एक प्रोसीजर है लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ होगा प्रेसिडेंट की असेंट मिली होगी गैजट पर नोटिफाई हुआ होगा राइट right? लॉ ऐसे ही बनते हैं नाउ लेट्स कम टू द पावर्स विच हैव बीन गिवन टू ईडी विच आर बींग डिस्कस्ड इन द न्यूज पेपर कंटिन्यूसली विच आर विच आर बींग डिस्कस इट इज बींग मिस यूज बिकॉज ऑफ द एक्सेस पावर्स दैट हैज बीन ग्रांटेड टू ईडी सो देर आर सर्टिन स्पेशल पावर्स Under PMLA, that ED enjoys. So, there are certain special powers under PMLA that are being enjoyed by ED. What kind of powers are these? The first power is that <coughs> ED can conduct search, seizure, and confiscation of any disproportionate asset anywhere, right? So, there is no boundation. If ED believes, yeah, ED has a uh, like they have a some type, or they believe that there has been certain money laundering taking place, or there has been uh, certain cases of, uh, say, Foreign Exchange Management Act related things. They can go and search the premise even without making any arrest, right? And without any uh, basically warrant or without any informing the agencies or bringing the police with them, they can simply go and search your place, right? And you cannot do anything with that, right? So, the first power that they have is to search. Caesar and confiscation of disproportionate assets, right? In this, even without making an arrest. Right, so even they might not have a case against you. They might they might not know that if they can arrest you, if they have any proof or not to search your premise, they will first come and search. They will find the proof, and if they found the proof, then they will arrest you. If they don't found the proof, then they cannot, then they can they might not arrest you also, but they can just uh, search your place in case they found certain cash, gold. They found certain assets which they feel are disproportionate to your salary. Your salary is yearly. Suppose your salary is. से थर्टी लैक्स आपकी सैलरी है थर्टी लैख रुपीज एंड आपके पास एसेट्स हैं थ्री करोड़ के सो दिस इज डिस्प्रपोर्शनेट एसेट आदर यू वुड हैव सेव्ड फॉर ट्वेंटी ईयर्स देन यू वुड हैव मेड दो और यू हैव गॉट सम एक्स्ट्रा ब्लैक मनी विच यू हैव नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न विद द हेल्प ऑफ विच यू हैव परचेज दो दे केन कन्फेस्टिगेट दोट्स इफ दे फाउंड सर्ट इन कैश और गोल्ड दे कैन टेक दैट विद यू दे कैन टेक दैम विद दैम एंड Then later, they will find the trail or they will ask you to justify that where you have got this money. If you are able to justify, then it's fine. If you are not able to justify the source of that income, and if you are not able to justify that it's a legal money, it's not a black money, then they can file charges against you. Right? So, even without arrest. Second important power that they have is their jurisdiction. Their jurisdiction is all over the country, they do not require any state consent. Like in the case of CBI, they require the state consent to enter in any state and do their investigation, or they require some higher judiciary, say High Court or Supreme Court, to allow them to enter in a state but in the case of ed they do not require any kind of permission of the state or anything they just can go in any place in india against any individual and that is why we are seeing even the sitting cms are getting arrested right so how can that be possible because they have this power that against they have a jurisdiction against anyone in the pan india right their jurisdiction is pan india they have pan india jurisdiction with or without state consent right so they do not require any kind of consent or anything they have pan india jurisdiction with respect to these kind of things right apart from this what else special they have In general, if you guys remember when I was teaching you Bharat Nyaya Sanita and Bharat uh, BNSS BNS and all those bills in their evidence act I was telling you that a, um, that a statement which is given in front of the police is not admissible in the court of law right if a statement has been given in front of the judiciary it is admissible or basically in front of police if it is given it is not admissible but there is an exception in case of ED statement given. स्टेटमेंट गिवन टू ई डी इज एडमिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ सो यहां देर वॉज अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच टॉक अबाउट इट दट दिस इज दिस लीड्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच इज अगेंस्ट आर्टिकल ट्वेंटी विच इज द फंडामेंटल राइट आर्टिकल ट्वेंटी आई थिंक क्लास थ्री से इज दैट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज not allowed right you cannot be a uh, you cannot be um, you cannot be a witness to your own crime you you have to find other evidences police has to find other evidences but here it is possible it is admissible right? so it's an exceptional thing and when the case reached out to the supreme court of india they said that ed is not a police officer and if they have arrested somebody then it simply means that this person is not yet accused or uh, sorry if they have they have been inquiring or investigating from somebody they are not yet accused and if they have made a statement in front of E D then it can be admissible. I know it is a very vague thing, but this is what it is, right. So statement given to ED is admissible in the court of law, and this is what happens that current opposition has been claiming that few people have given six statements out of which five statements has been declared redundant by the ed and the sixth statement has been used by the ed to basically arrest other people right so which statement to believe which statement not to believe but yeah this is the thing that they can present only the statement they want in the court because they have been they, they get it signed by the people right so statement given to ed is admissible in the court of law yes self incrimination that i have just mentioned the next thing is <coughs> that in the 2019 amendment what the government did the government declared money laundering as a criminal offense money laundering is a criminal ऑफेंस इसकी वजह से क्या हुआ मनी लॉन्ड्रिंग एज अ क्रिमिनल ऑफेंस सो इनिशियली बिफोर दिस वॉज डिक्लेयर क्या होता था इफ इडीज हैज़ टू इन्वेस्टिगेट अ केस ईडी रिक्वायर्स सम अदर एजेंसी टू फाइल ईडी डाइल एन एफ आई आर राइट सो ईडी रिक्वायर समी टू फाइल अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट ईडी विल सी If there is any transaction which is which can lead to money laundering or which can lead to foreign exchange uh, and all those things, then ED will ask the permission to investigate the case or ED will get involved in that investigation of the case. It can be a police authority, it can be a CBI, it can be any other agency, right? So ED has the authority to take uh, all the FIRs from the police stations, and if there is any case with respect to which, which ED believes that this is a case of money laundering, they can get involved, right? Uh, before that, there were a, a certain amount, amount was also there at least minimum 1 crore should be there, 30 lakh should be there, they all have been removed now. For any amount, now ED can get involved. And now, what happened? Because before that, money laundering in itself was not a crime. But the crime has to be there, and in that crime, there has to be an angle of money laundering, then ED is basically investigating. So, I will explain it to you in a simple language. Suppose what happens that you have asked somebody to murder a person.

उन दो करोड़ रुपए को जो ब्लैक मनी थी उसे ही उस कन्वर्टेड इट इनटू व्हाइट मनी सो देट ही कैन पुट इट इन हिज अकाउंट एंड बाय अ प्रॉपर्टी राइट सपोज लाइक देट सो व्हाट विल हैपन एज सुन एज ईडी कम्स टू नो दैट ओके देर वाज़ अ मनी लॉन्ड्रिंग दैट हैज टेकन प्लेस फॉर दिस मर्डर टू हैपन दे विल सेट वी विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट विद द पुलिस ऑफिसर्स बिकॉज देर इज अ मनी लॉन्ड्रिंग केस सो यहां पर ईडी अपने आप से कोई केस नहीं ले पाती थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इन इट्स सेल्फ वॉज नॉट अ क्राइम बट देर हैज टू बी अ क्राइम एसोसिएटेड विद इट इन विच मनी लॉन्ड्रिंग हैजेक प्लेस बट नाउ वट हैज हैपन अंडर पीएमएल ए सिंस टू थाउजेंड नाइनटीन अमेडमेंट मनी लॉन्ड्रिंग इन इट सेल्फ हैज बीन डिक्लेयर अ क्राइम सो नाउ वट कैन हैपन इफ समबडडी इज जस्ट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग आप सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं एंड ईडी कम्स टू नो अबाउट इट देन ईडी कैन कम एंड सर्च योर प्लेस अरेस्ट यू एंड what not right just because you are doing money laundering without requirement of any other agency filing an f i r because ed does not file an f i r so how come ed make all these arrests and make all these things ed files are internal document which is referred as e c i r enforcement case information report which is not made public like f i r can be made public e c i r doesn't require to be made public ईडी जस्ट फाइल्स आर इंटरनल डॉक्यूमेंट की वी हैव सस्पीशन और वी हैव फाउंड दीज थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू रेड दिस प्लेस टुडे एंड अरेस्ट दिस पर्सन इफ रिक्वायर्ड राइट सो वो इंटरनली एक डायरी एंट्री करके और अपना चले जाते हैं विच इज नॉट मेड पब्लिक सो आपको जिसको अरेस्ट किया गया उसे भी नहीं पता चलेगा कि भैया अरेस्ट क्यों कर लिया मुझे आगे सीधा राइट सो दिस इज अगेन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दैट इज देयर सो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ वट कैन हैपन इज दैट ई डी कैन Take action without any other agency filing a FIR simply by filing. Simply by filing an internal report, internal report that is ECIR. Also, one more important thing to note over here is that ED can take cases suomoto. Nobody needs to complain to ED that this has happened. If they want to,

राइट अपोजिशन पार्टीज और द कॉरपोरेट्स विच आर हेल्पिंग द अपोजिशन सो उनके अगेंस्ट में लेते हैं नॉट द पार्टीज इन द पावर जनरली ये एलिगेशन लगाए जाते हैं राइट सो वाई दे कैन डू सो बिकॉज दे टेक दे कैन टेक केसेज सो मोटो उन्हें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कोई टिप की जरूरत नहीं है इफ दे हैव अ बिलीव इफ दे हैव अ चेंज ट्रायल दे कैन गो फॉर इट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरली इफ यू गैज रिमेंबर तो जब मैं आपको सी के बारे में बता रहा था आई के बारे में बता रहा था भारतीय न्याय संहिता में तो मैंने वहां पर बोला था सर्टेन रूल्स हैव बीन चेंज इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम अफेंडर देन यूर राइट टू गेट अ बेल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम हाफ टू आई थिंक वन थर्ड एंड ऑल राइट सो वहाँ पे मैंने बताया था इफ अ क्राइम वेअर द पनिशमेंट इज लेस देन और वेर द पनिशमेंट इज सेवन ईयर्स और बिलो इन दैट क्राइम द बेल इज अ राइट एंड इम्प्रिजनमेंट इज बेसिकली अक्सेप्शन Right, this is what the Supreme Court believes that if somebody has committed a crime and the punishment is not too harsh or the crime is not too big, then bail is his right. Right, he can apply for a bail, and if the judge believes that he or she cannot change anything in the case, all the things have been filed, charge sheet have been filed, they can be granted bail. But here, under PMLA, the provisions for the bail are very stringent. Provisions. For bail are very stringent, right? some people say this that in case of PMLA, bail is an exception and imprisonment is a normal thing, right? Why it happens? There is a logical reason behind it that why in the in the PMLA this bail has been made so difficult. Why somebody arrested under? By ED under BMLA, it, it takes a lot of time to get bail. Why these people like um, your Manisha and all those people have been in prison for more than one year and they are not yet convicted. Right? So, why this happens? This is a, There is a very simple logic. If you see what ED is doing, ED is taking a case which might be 6 years, 7 years before or which might be continuing for years because there the transactions have been continuously taking place and to prove their case to prove the, that the person accused that they have taken out is basically a culprit they need to set up the complete trail right if this trail is broken anywhere in between if this trail is broken anywhere in between then their case fails right and that is why they do not want if that they if they have arrested somebody they do not want that person to be going out again because otherwise he or she can break the ट्रेल समवेयर इन बिटवीन और एक बार ट्रेल ब्रेक हो गई तो आप वो चेन पूरी नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये ऐसे ही हुई है सिंपल सी चीज है कि अगर आपका पैसा दस जगह से फ्लो होकर आया तो आपने एक को को पकड़ा उससे बोला एक आदमी गायब कर दिया उसने बोला कि आ, उसने दिया था उसने बोला वो और उसके पास पैसा कहां से आया था क्योंकि पैसा तो कैश में फ्लो हो रहा था तो ये आदमी अगर मैंने बीच में से गायब कर दिया उस चेन में से तो मैं उसके अगले आदमी पे नहीं पहुंच पाऊंगा और मैं अगर उसके अगले आदमी पे नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं उस फर्स्ट आदमी पे नहीं पहुंच पाऊंगा जहां से पैसा ओरिजिनेट हुआ था एंड आई विल नॉट बी एबल टू शो कि ये पैसा कैसे फ़्लो हुआ है एंड इफ ईडी इज नॉट एबल टू शो कि ये पैसा कैसे फ़्लो हुआ है देन द प्रॉब्लम इज दैट की कन्विक्शन नहीं होगा एंड दैट इज़ वाई यू हैव सीन की ईडी के थ्रू जो इतने सारे केसेज रजिस्टर किए जाते हैं टिल डेट ED has registered in the last uh, 20 such odd years ED has registered around 6000 cases out of these 6000 cases only 25 cases has been over or basically final decision has come out only in 25 cases out of these 25 cases only 24 cases are there in which conviction has taken place and in one case there is the uh, conviction instead of conviction the person has been declared free right accused has been declared free now, ED claims that they have a rate of 96% conviction rate. Why they have a rate of 96% conviction rate? Because out of 25 cases that has been completed, only uh, 24 cases conviction has taken place. So, 96% is the rate of conviction that they have. On the other hand, who oppose the ED, they claim that out of 6000 cases that they have registered, many people are in prison for last 3-4 years in, the, in a case where the maximum punishment is 7 years and they have not been granted bail they have not been declared convict and ed is not able to prove the charges also and the cases are pending which means that the conviction rate out of 6000 cases when you see the 24 cases the conviction rate is 0.5% so many people say the conviction rate is 0.5% many people say the conviction rate is 96% both are correct in their form and this is how you manipulate the data right both are right right

Added under PMLA. Up now, since with the evolving technology and the evolving society, certain money laundering is happening with the help of cryptocurrencies and these virtual digital assets, where the asset is in virtual form and it can be transferred on the online internet only. Right. So, in these cases, now to basically deal with the money laundering happening in these cases or counter-tariff funding happening uh, or to tariff funding happening with the help of cryptocurrency and all, they also have been added under PMLA. Right. So, if somebody is found that they have done these kind of transactions which are in form of money laundering, then in that case also they can be arrested by the id right so if you are dealing in cryptocurrencies and all and you are uh, you are helping somebody to basically move their cash from one country to another by just sending bitcoins or ethereum or anything else then you would be charged under pmla similarly one another thing that has been added in 2023 is that gst network that is gstn has been Added under PMLA. So, all those corporates which are basically paying GSTs now their transactions take place on this GST network. So, all the data with respect to from where they have received the money, whom they have paid, and how the money is flowing and how much GST they are paying, this is all registered over here on the GST network. So, ED will get the access of GST network also.

It is found that certain actions which were taken by ED or some officers in the ED were fictitious or they were basically done with the malified intention to harass somebody. Then there can be case against those officers also. These are the checks under PMLA. So that is why ECR has to be filed. Although they are not filing FIR, they are not transparent. They are not putting it in the public. But internally, whatever they are doing, they have to put it in a report. They have to put it in writing. The second thing is that PMLA is the only such law where the investigating agency can also be punished, and the maximum punishment for the investigating agency is 2 years. If it is found that they have registered a case, they have done the search, or they have arrested somebody with a malified intention. Right, which was not a genuine case, then they can be punished for two years. They can be sent to imprisonment for two years. So these kind of checks are also not anywhere. So it's a balanced act somewhere, and that is why Supreme Court of India, not me, Supreme Court of India has said in a I think 2022 judgment, a 2022 judgment, thing, Supreme Court of India has said that all the provisions under the PMLA are justified since, since money laundering is a serious crime it impacts national security it's impacts economical sec uh, it impacts internal security and it can lead to economic disturbances in the society it can lead to the degrowth of a country. It can lead to the growth of a country. So, it's a very serious thing. Money laundering is not, not something which has to be taken as a joke. So, it's a very serious thing. A parallel economy is being running. So, that is why the stricter provisions that has been provided under PMLA, they have all been approved by the court. Court has said that there is no problem with providing all these powers to the

Uh, kind of, a, i will say, ki bad practice that has been performed by governments for a long time, and many cases are pending in the supreme court of india. right, just like electoral bond was passed with the budget of 2016-17, i guess, and this was also in 2019, and that thing is still pending with the court. apart from that, all the provisions and all the powers has been justified by the supreme court of india, right? <clears throat> now, let's talk about the selection process. Ki how they are appointed.

And some other bureaucrats, like from Department of um, Department of Revenue, from um, and some other places, there is a five-member committee that is being formed, right? So it's a neutral system which is being over here. But here, a change was made in 2021, which is being opposed by many people. Though it has been approved by the Supreme Court of India. Again, there was a case that was filed to that amendment also, but Supreme Court of India has said that this amendment is right, and government has done it within its right. क्या था यहां पे इनका टर्म की जब हम बात करते हैं टर्म ऑफ सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ईडी डायरेक्टर इनिशियली इट वाज़ फिक्स्ड टू टू इयर्स दैट देयर इज अ फिक्स टेन्योअर ऑफ टू इयर्स दैट इज बीइंग गिवन राइट इन 2021 ट्वेंटी वन देर वर टू अमेंडमेंट एट वर ब्रॉड इन नवंबर ट्वेंटी वन अमेंडमेंट वॉज विद रिस्पेक्ट टू द टेन्यूर ऑफ cbi director the other amendment was with respect to the tenure of ed director right so initially it was fixed that they have a fixed tenure of two years nobody can remove them from their office for two years if they have been made the director and this basically fixated केम आफ्टर द विनीत नारायण केस विनीत नारायण का एक केस है उसके बाद कोर्ट की जजमेंट थी उसके बाद लोकपाल के अंदर सी को स्टेचुटरी बॉडी देने के बाद बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें सो ये प्रोविजंस लेके आए गए की यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर्स हैं सीबीआई के और ईडी के उन्हें एक फिक्स टेन्योर दिया गया टू ईयर्स का गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस फिक्स टेन्योअर को नहीं छेड़ा गवर्नमेंट सेट दट देर टेन्यन बी एक्सटेंडेड फर्दर राइट अब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली दे कैन बी गिवन फर्दर एक्सटेंशन नो हार्म इन दैट बट उन्होंने बोला दैट दे कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर थ्री ईयर्स तीन साल के लिए अब यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी एंड दीज थ्री एक्सटेंशन विल टेक प्लेस ऑन एनुअल बेसिस सो इट विल द एक्सटेंशन विल नॉट बी लाइक योर टू इयर टेन्यर इज ओवर एंड इफ गवर्नमेंट वॉन्ट्स दे कैन से कि योर टेन्यर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर नो दे विल से दैट योर टेन्यर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर वन ईयर

Right. so he will keep doing what the government wants them to do right once the two years are over government will say okay fine we are extending it but we are extending it for one year right so in this year again you do what we are asking and we will extend it further so this is how they will keep extending it and the people will always be in a quid pro quo will keep doing what the government want and if he is not doing it then he will be replaced right and as we saw that no case

तो पहली रिफॉर्म आती है टू गिव दैचुएटरी स्टेटस जब मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो पहली रिफॉर्म्स आती पहली रिफॉर्म की बात आती है गिव दम कुछ लोग तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो बट जो सही चीज है मांगने की वो मैं बताता हूं गिव दम स्टेचुएटरी स्टेटस राइट सो दैट कि इनके पास कुछ इनकी अपनी लीगल पावर्स हो सके कुछ इनके पीछे लॉ हो सके कि ये कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे एक प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस हो सके मैकेनिज्म हो सके ताकि ये किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे चीजों के लिए इनकी एक फिक्स सैलरी हो सके तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की बात की जाती है राइट right? सेकेंड बोला जाता है प्रोवाइड अगेन ये जब स्टेच्यूटिव स्टेटस देंगे तो यहीं से आ जाएगा प्रोवाइड क्लियर लीगल मैंडेट एंड क्लियर लीगल मैंडेट एंड गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन राइट ताकि इन्हें कोई अक्यूज ना कर सके ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स तीसरा एक बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म या एजेंसी बनाई जाए जो इनकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करे जैसे सीबीसी यहां पे कोई करप्शन होगी तो ऑब्वियसली सीवीसी देखेगा सीबीसी का पूरा काम ही है इफ ब्यूरो अफ्रेड ऑफ एनी वन बट सीवीसी आप सीबीसी का नाम लीजिए डर जाते हैं क्यों डर जाते हैं क्योंकि उनका काम ही है कि सारे करप्शन के केसेस को हैंडल करना या देखना बट अगेन यहाँ पे आप देखिए कि कोई एक ऐसी ओवरसाइट एजेंसी की बात की जाती है मैकेनिज्म की बात की जाती है कि इनकी सारी फंक्शनिंग इनके सारे केसेस इनकी सारी प्रोसीजर्स को वो देख सके एक न्यूट्रल ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात की जाती है कि ऐसी बॉडी बनाइए ताकि ये एक्विजीशन जो अभी लगते हैं ये कोई लगा ना सके कि एक थर्ड बॉडी है अब अगेन अब वो बॉडी फिर से गवर्नमेंट अपॉइंटेड और वो सारी चीजें होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा सिस्टम का बट एक न्यूट्रल बॉडी बनाने की बात की जाती है तो एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म और बॉडी स्टेब्लिश इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मकेनिज्म और बॉडी तीसरा इन्हें बोला जाता है कि जो फंक्शनिंग है जैसे सीबीआई तो फिर भी थोड़ा सा पब्लिकली अवेलेबल है उनकी एफ आई आर एंड ऑल दो थिंग्स ईडी का कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है सो बोला जाता है कि पब्लिक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए मेक अ पब्लिक रिपोर्टिंग कि ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं किस थ्रू कर रहे हैं पब्लिक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू क्रिएट और मेक अ पब्लिक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सो दीज टू पॉइंट्स विल हेल्प इन बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी देन द नेक्स्ट इज दे टॉक अबाउट इंटर एजेंसी कोलेबोरेशन अभी जो स्टेट पुलिस है वो सीबीआई के साथ कोलेबोरेट नहीं करती है क्योंकि दोनों में आपस में लड़ाई है ईडी और सीबीआई दोनों अपनी पैडल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं सेम ही केस के ऊपर सो देर शुड बी अ मैकेनिज्म फॉर इंटर एजेंसी कोलेबोरेशन Mechanism for interagency collaboration both at both at center state level and central level. छठा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सी ये दोनों जो एजेंसीज की हमने बात की इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना राइट विच इज द प्राइमरी थिंग अगर कोई क्राइम कहीं पे कंडक्ट हुआ है तो सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तभी आप एक्यूज़ बता पाएंगे कौन है कौन नहीं है और एविडेंसेज इकट्ठा कर पाएंगे नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क इज जुडिशरी जो उन इन्वेस्टिगेशन जो हुई है जो एविडेंसेस दिए गए हैं उन्हें एनालाइज करें उन्हें सुने और उसके बेसिस पे जस्टिस प्रोवाइड कर सके अब हो क्या रहा है कि ऑल दो सी बी आई एंड ई डी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बेसिकली फाइनलाइज दअर केस टू फाइल द चार्जशीट टू मेक द अरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स उसके बाद कोर्ट्स आर फ्लडेड विद द केसेज एंड वहां पर वो केस रिजॉल्व भी नहीं होते हैं इट टेक्स इयर्स एजेस लग जाती हैं लोगों को बाहर आने में वापस सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी जरूरत है अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं होगी सी दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं होगी देन इन ऑल प्रोबेबिलिटी द विक्टिम विल नॉट गेट द जस्टिस बिकॉज द एक्यूज विल बी लेट फ्री बाय द कोर्ट क्योंकि कोर्ट जो फंक्शन करता है वो ओनली इट फंक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसिस एंड विटनेसेज कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन राइट सो इन्वेस्टिगेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है किसी भी केस में जस्टिस होने के लिए और दूसरी चीज कि जस्टिस टाइमली हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए एनआईए क्या है बेटा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यह बनाई गई थी दो हजार आठ के टेरर अटैक्स के बाद सो दिस एन आई ए ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है टेरर रिलेटेड केसेस में जहां पे टेररिज्म इन्वॉल्व है जहां पे टेररिस्ट है वहां पे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा इट विल बी डन बाय एनआईए वहां पे आपका सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा या कई बार क्या होता है कि सीबीआई भी इन्वॉल्व है ईडी भी इन्वॉल्व है और एनआईए भी इन्वॉल्व है क्योंकि जो टेररिस्ट है तो एनआईए आ गया अब उस टेररिस्ट ने कोई एक्टिविटी की थी जिसे देख रहा है सीबीआई राइट right? उसने कोई क्राइम किया था जो सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उस टेररिस्ट को पैसा देने के लिए कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी तो ईडी ने बोला कि मैं भी करूंगा तो कई बार तीनों एजेंसीज कर रही हैं इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया कि कोलेबोरेशन जो है स्टेट सेंटर के बीच में और सेंट्रल लेवल पर भी जो एजेंसीज है मल्टीपल एजेंसीज आर देयर सो उनके बीच में भी कोलेबोरेशन होना चाहिए कि अब पी के अंदर ईडी को कोई प्रूफ मिल गया है बट वो कह रहा है कि हमारे काम का नहीं है और उसने वो प्रूफ सीबीआई को शेयर नहीं किया अगर वो सीबीआई को शेयर कर देता तो शायद उनका केस सॉल्व हो रहा होता तो ये तीनों चीज़ों चारों चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है